8-10 साल हो गए, बच्चे नहीं, इलाज ही नहीं करवाया मैंने, 50,000 लगता था, गुर्बत है। वैसे डॉक्टरों ने कहा है कि आप सही हो सकते हैं। हाँ, किसी ने आपकी मदद नहीं की? नहीं, किसी ने भी नहीं की। शादी आपकी पसंद की हुई थी? हाँ जी। लव मैरिज है? हाँ जी। मेरी नजर में देख के ही आप दोनों ने एक दूसरे को हाँ कर दिया? हाँ जी, हाँ जी। इन्होंने मुझे देखा, कह रही है एक बार देखा ऐसे ही, कह रहा है ठीक है भाई। मुझे इनकी हंसी पसंद आई थी, इन्होंने देख के मेरे तरफ हंसे थे, मुझे वो ही पसंद आई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? शमीम। कहाँ के रहने वाले हैं? इधर लाहौर के। लाहौर के रहने? अच्छा, शोहर क्या करते हैं आपके? मेरे शोहर लच्छे बेचते हैं। शादी कितने साल हो गए? 8-10 साल हो गए। 8-10 साल हो गए शादी? बच्चे नहीं है? बच्चे नहीं। क्यों? बस इलाज ही नहीं करवाया मैंने, 50,000 लगता था। इलाज क्यों नहीं करवाया? पैसे नहीं है, गुर्बत है। कितने पैसे हो तो आपको इलाज होता? 50,000 हो, 70,000 हो तो आप इलाज लेडी डॉक्टर कहती थी हो जाएगा। वैसे डॉक्टरों ने कहा है कि आप सही हो सकते हैं? हाँ हाँ, कहा है उन्होंने। फिर 50-70 हज़ार रुपये इतनी बड़ी रकम भी नहीं है कि आपको कोई ना देता, तो किसी ने आपकी मदद नहीं की? नहीं, किसी ने भी नहीं की। शादी आपकी पसंद की हुई थी? हाँ जी। लव मैरिज है? हाँ जी। कहाँ मिले थे आपके शोहर जो? बस ये इनका कोई कज़न था, तो उसने ना इन्हें लेके, मैं वो मेरा ना भाई लगता था, उन्होंने फिर इसको लेके आए, तो इन्होंने सामने दिखाया, क्या कि इससे साथ शादी करोगी आप? मैंने हाँ कर दी। हाँ कर दी। हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भैया आपका? शाहिद। अच्छा, मुझे बताएं, बाजी बता रही है कि शादी आपकी पसंद की हुई है? हाँ जी, मेरे कज़न ने मेरा रिश्ता करवाया इसके साथ। उनके जानने वाले थे, तो उन्होंने कहा कि खाला आपके बेटे की शादी कर दो। उसने कहा बेटा कर दो। अम्मी मेरी ने कहा बेटा कर दो। उसने फिर इससे बात की, ये अपनी बहन के घर रहती थी, मुंह बनी हुई थी, मुंह बोली बहन बनी हुई थी, तो उधर से हमारी शादी हुई। फिर अम्मी को लेके आया, घर वालों ने खुशियाँ की हैं, फिर तो हम खुशी खुशी से रह रहे हैं। फिर माँ बाप बहन भाई ने सब ने मिल के बैठ के सब ने शादी में बैठे खुशियाँ मनाई हैं। उसके बाद ये इसको जो दाल रोटी जो मिस्सी है वो कमा के ला के देता हूँ। मजदूर आदमी कभी दिहाड़ी लगती है कभी नहीं। पहली नज़र में देख के ही आप दोनों ने एक दूसरे को हाँ कर दिया? हाँ जी, हाँ जी। पहली नज़र में तो कोई भी नहीं हाँ करता? नहीं, ऐसे कि कोई किसी की बात अच्छी लगती है या किसी का आपको बैठना कोई अंदाज कोई अच्छा लगता है? कैसे बैठे थे? क्या वैसे मैं तो सिंपल सा बैठा हुआ था कि इन्होंने मुझे एक बार देखा, मेरे कज़न ने बात की है कि ये लड़का है, तो इन्होंने मुझे देखा, कह रही है एक बार देखा ऐसे, कह रहा है ठीक है भाई। ये मुँह से पता चल जाता है, खुशी की सूरत से पता चल जाता है कि ये कितना तेज़ है या कोई, तो इसने पसंद किया। वह कह रही है बस ठीक है, मेरी इसके साथ शादी कर दो, कोई बात नहीं कर दो। उन्होंने कहा 2-3 दिन ठहर जाओ, कह रही नहीं सुबह ही कर दो। फिर हमने अदालत में जाके शादी कर ली है। अदालत में जाएगी? हाँ, खुशी घर की है, बाकी रस्में जो है वो आपने घर में की है। हाँ, उन्होंने तो आपका बता दिया है कि आपका बैठना मतलब सब कुछ बता दिया। आप मुझे इनकी हंसी पसंद आई थी, इन्होंने देख के मेरे तरफ हंसे थे, मुझे वो ही पसंद आई, मैंने हाँ कर दी, मैंने कहा ठीक है। वाह, कहने कुड़ी हंसी थे फंसी इधर तुसी हंसे थे। वो पता क्या बात है कि जब मुझे पता चला ना, मतलब दोस्त ने बात की यार का माँ बाप नहीं, वो अकेली है या बहन भाई, तो वो किसी का काम आते नहीं है आजकल, आपको पता ही है। मेरे भाई हैं वो, मैंने कभी खाना ना खाया, मुझे कभी पूछा ही नहीं है कि यार तुमने खाना खाया क्या, सबसे बड़ा हूँ मैं। तो ये बात है कि ये भी अकेली थी, माँ बाप नहीं था, मेरा भी माँ बाप नहीं था, मेरे कज़न को पता था, उसने हमारी दोनों की शादी करा दी है। बस यही बात, खुशी खुशी से टाइम। जब आप लोगों ने शादी की तब माँ बाप आपके भी नहीं था? कोई भी नहीं था। अम्मी थी, उसके बाद अम्मी फोत हो गई, अम्मी फोत हुई, उन्होंने बहन भाई नहीं पूछते, आपके भी नहीं पूछते? मेरे इनके तो इतने सही नहीं है, मेरे सही भी हैं, मुझे अपने में भतीजे जो भी है ना, कोई भी नहीं मुझे पूछता। क्या वजह है पसंद की शादी? हाँ, कहते गरीब से शादी की, क्योंकि गरीब होना, गरीब इंसान ही, वो अमीर है ना, तो कहते गरीब से शादी की, उनके हालात बड़े हैं, वो अमीर आदमी हम गरीब आदमी, कभी लगती कभी नहीं लगती, क्या करें। अल्लाह तआला ने औलाद नहीं दी, कभी कमी फील नहीं हुई? जब मैं लोगों को देखता हूँ ना, कि मतलब कि ये बच्चा है, इसकी शादी की है जी, माँ को छोड़ के चला गया, पुराने को छोड़ के चला गया, तो मैं ये फील करता हूँ। लेकिन ये है कि मैं सोचता हूँ यार कि अगर हमारी लात होती, कल को एक बच्चा अल्लाह दे देता, तो वो हमें जब उसकी शादी होती वो हमें छोड़ के चले जाता, फिर तो हमने दोनों मियाँ बीवी ने इकट्ठे रहना था ना, फिर भी तो चलो अल्लाह की मर्जी है, दरबारों पर जाते हैं, दुआएँ करते हैं, अल्लाह के नेक आदमियों से मांगते हैं, अल्लाह के नेक बंदों से मांगते हैं, फिर अल्लाह की मर्जी है।
हम शिकवा नहीं करते, लेकिन अल्लाह की मर्जी है, अल्लाह के उसके अलावा कोई काम नहीं हो सकता। जी दरबार पे जाते हैं हम, दरबार पे हम गलती की तकसीम करते हैं कि हमारे से कोई गलती हुई है हमें माफी दे। यानी कि आप अभी भी कोशिश में हैं कि आप उला जाते हैं? हाँ जी, कोई जाती हूँ। बेशक इसमें कोई मसला नहीं कि हम नहीं चाहते, हर इंसान का दिल करता है कि हमारे बच्चे हों, औलाद हो, हम पूछें कोई हमें पानी पिलाए, कोई हमें कोई उठ के कोई माँ माँ की सेवा करे, कोई बाप की बात माने, ये तो हर किसी का दिल करता है। बाजी बता रही थी कि 50-60 हज़ार में इनका इलाज हो सकता था। वही आपको मैंने वही आपको बताया था कि हमारे पास तो एक मसाल है कि किसी से जाते बात करते हैं, यार ये मेरी बीवी है, इसको क्या मसला है, देखना डॉक्टर साहब, या किसी लेडी डॉक्टर के पास जाते हैं। तो हमारे गई थी, उन्होंने बताया था लेडी डॉक्टर क्या है, वो हमारे पास जब फोल्ड ही नहीं होगा कि हम किराया लगा किसी के साथ बात कर सके। डॉक्टर ने कहा था इसे कि इतने पैसे हों तो आपका शायद अल्लाह दे दे, कोई अल्लाह के घर डेर नहीं है, शायद अल्लाह आपको दे दे, लेकिन आप ट्राई करो। गुर्बत की वजह से इलाज? गुर्बत की वजह से, बिल्कुल। आप काम करते हैं अच्छे? ये दिहाड़ी कभी नहीं लगती, लच्छे पे वो गलियों में लच्छे नहीं बेचते, 10-10 वो बेचता हूँ, 1200 का माल, 10-10 रुपए का बेचता है, 600-700 लेके आता है, माल होता है 600 उनको दे देता हूँ, 600 घर में लेके आ जाता हूँ, उसमें किराया निकालना, घर का बिल निकालना है, घर का खर्चा करना, रोज इसकी दवाई लेके आनी है डॉक्टर से, ये मसला है। नाज़रीन, अगर इस तरह की औरत हो हमारी पाकिस्तान में और इस तरह का मर्द हो, तो मैं कहती हूँ कि कभी भी किसी रिश्ते में कोई लड़ाई नहीं होगी, कोई झगड़ा नहीं होगा, कोई मसला नहीं होगा। देखें, कहते हैं कि अगर किसी के घर में गुर्बत है तो बीवी छोड़ के चले जाती है, अगर औलाद नहीं है तो शौहर कहता है अपने घर चले जाओ, उसको घर से बीवी को निकाल देता है। लेकिन यहाँ पर दोनों ने एक दूसरे का साथ निभाया, पसंद की शादी की है, लेकिन आज गुर्बत में भी है लेकिन अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बाकी ऐसे लोगों की लोग क्यों नहीं मदद करते? मदद करनी चाहिए। 50-60-70 हज़ार रुपये अगर कोई दे देता तो आज इनके घर में औलाद होती, हर दरबार पे जाते हैं, दुआएं करते हैं, लेकिन हम भी आपकी दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला आपको जैद औलाद दे। बाकी अगर कोई हमारे ये प्रोग्राम देख रहा है, अगर कोई इनकी मदद करना चाहता है तो इनकी कर सकता है, हमारे चैनल के जरिए हमसे रब्ता करें, हम आपको इनसे मिलवा देंगे। 50-60-70 हज़ार तो लोग जो जाते जाते उड़ा देते हैं, लेकिन इतने में अगर किसी इंसान की ज़िंदगी बन जाती है तो मेरे ख्याल में किसी का कुछ नहीं जाता। इसी से मुझे इजाज़त मिलती है अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।